क्वार्टाइल डिविएशन से मुतल्लिक हमारे पास प्रॉब्लम है. द वीट प्रोडक्शन इन किलोग्राम ऑफ 20 एकर्स इज गिवन एज 1120, 1240. ये डिफरेंट टाइम्स के अंदर एक 20 एकड़ जमीन के ऊपर हमने जो गंदम उगाई थी उसकी प्रोडक्शन गिवन है किलोग्राम के अंदर. ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल डिविएशन, यानी हमने ये बताना है कि अगर उस प्रोडक्शन का देखा जाए कि जो सेंटर की 50% डेटा है उसमें कितना फैलाव है, ठीक है, उसमें कितना स्प्रेड है, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीके से, यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज की सूरत में नहीं बल्कि क्वार्टाइल डिविएशन की सूरत में. ठीक है, और दूसरा क्या है, कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, यानी अगर हमें ये मालूम करना हो कि इस डेटा सेट के लिए कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन क्या होगा, ताकि हम किसी और 20 एकड़ जमीन के ऊपर जहां पे गंदम उगाई गई है उसके साथ इस जमीन का मुवाजना कर सकें. चूंकि ये जो मैयर है, ये जो डिस्पर्शन है, ये रिलेटिव है, ठीक है, ये रिलेटिव हो जाएगी, और ये क्या है, एब्सोल्यूट है, जिसमें पहले भी बात कर चुके हैं. तो रिलेटिव हमें जो है वो कंपेयर करने में अलाउ, यानी हम रिलेटिव चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, एब्सोल्यूट चीज़ों को हम कंपेयर नहीं कर सकते. तो लिहाजा सबसे पहला जो स्टेप होता है क्वार्टाइल डिविएशन, हमें पता है क्वार्टाइल डिविएशन बेसिकली है किसके इक्वल, क्वार्टाइल डिविएशन होता है जी Q3, यानी अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय टू, यानी इनका हाफ, इनके डिफरेंस का हाफ जो क्वार्टाइल डिविएशन कहलाता है. अब अगर मुझे यहाँ पे Q1 और Q3 फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मुझे डेटा सेट को एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी जैसे मैं असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, तो वो ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे पहले छोटा जो नंबर है अगर आप देखें तो 11, 11, 12, 13, 10, 10, तो 10 सबसे स्मॉलेस्ट है. आप 10 में हमारे पास कौन से स्मॉलेस्ट हैं जी, अगर आप देखें 1040 है, 1080 है, तो आई विल गो फॉर 1040. सबसे पहले 1040 आएगा, उसके बाद 10 में और कोई भी नहीं अगर आप देखें तो, इसका मतलब है नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1080. उसके बाद 1100 में आ जाएं, ये 1120 है, और उसके बाद हमारे पास 11 में जस्ट एक ही है, 1120, तो ये 1120 आ जाएगा. अब सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जिसको हम करते जा रहे हैं उसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करते जाएं, जैसे 1320 है, ठीक है, सॉरी 1120 मैंने कर लिया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया. इस तरह से आप पूरे डेटा सेट को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, जो मेरे पास ऑलरेडी लिखा पड़ा है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा. ये हमारे पास डेटा आ गया असेंडिंग ऑर्डर में, मैंने इसको ऑलरेडी लिख के रखा हुआ था. अब सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है Q1, ठीक है, लोअर क्वार्टाइल. अब आपको पता है अगर मैं इस पूरे डेटा सेट को 100% डेटा कंसिडर करूं, 100% डेटा कंसिडर करूं, ठीक है, और ये वो जो फर्ज करें एक बार को जाहिर कर रहा है, तो जो Q1 होता है वो अगर लेट सपोज मीडियन 50% जो है डेटा, आई मीन 50% में जो कहीं वैल्यू होगी वो हमारे मीडियन को रिप्रेजेंट करेगी, और जो 25% वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे कहीं पे जो है वो हमारे पास Q1 होगा. इसका 25% डेटा अगर देखा जाए तो कौन सा ये नंबर बनेगा, यानी कौन सी वैल्यू होगी, तो हम किसा लिखते हैं, वैल्यू वैल्यू ऑफ 1/4, बिकॉज 1/4 क्या होता है पूरे डेटा का 25%, 1/4 इंटू एन प्लस वन वन आइटम, 1/4 इंटू एन प्लस वन आइटम जो होगा वो Q1 होगा. और अगर आप Q3 को चेक कर लें इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं Q3 को चेक कर लूं तो Q3 कहीं यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे Q1 और Q, तो ये अगर आप देखें तो 50 प्लस 25% और ऐड कर लें तो 75%. इसका मतलब है अगर मुझे Q3 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए Q3 क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 3/4, यानी चार पार्ट्स में से 3 पार्ट्स, 3/4 इंटू एन प्लस वन आइटम. चलें जी, अब हम देखते हैं कोई आइटम है कौन सा, जैसे एन प्लस 1/4 किया जाए, यहाँ पे ही मैं वैल्यू डाल दूँ अगर, तो एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. इसका मतलब है ये बन जाएगा 20 प्लस 1/4, 20 प्लस 1/4, बल्कि मैं Q1 अब नीचे का लिखता हूँ, ठीक है, 20 प्लस 1/4, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आता हूँ. सो Q1 हमारे पास बनता है, अगर आप देखें तो Q1 बिकम्स कौन सा आइटम बनेगा, 21/4 आइटम, 21/4 आइटम, ठीक है. तो कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है, 21 डिवाइडेड बाय 4 करूँ मैं अगर, तो ये मेरे पास जवाब आ जाता जी
5.25th आइटम, इसका मतलब है अगर पहले आप फिफ्थ आइटम देखें, 1 2 3 4 5, 1240, इसका मतलब 1240 कंप्लीट प्लस 0.25 टाइम्स डिफरेंस 1320 माइनस 1240, 1320 यानी जो नेक्स्ट होगा सक्सेसर होगा उसका प्रेडिसेसर से डिफरेंस टाइम्स जो डेसिमल पार्ट होगा उसे मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। तो अगर आप देखें तो 1240 और प्लस, कैलकुलेटर भी हमारे पास मौजूद है, तो हम 1320 माइनस करें 1240 में से, 1320 में से 1240 माइनस करें और मल्टीप्लाई करा दें 0.25 के साथ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 20 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, Q1 जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 2060 के इक्वल, 2060 के इक्वल। इसी तरह से अगर मैं Q3 फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, Q3, सो Q3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैं Q3 लिख देता हूँ, Q3 हो जाएगा 3/4 इंटू एन प्लस वन, अब एन 20 है, 20 प्लस 1 21 टाइम्स 3, ठीक है, 21 टाइम्स 3 इक्वल दिस डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 15.75th आइटम, फिफ्थ आइटम। अब 15th आइटम कौन सा बनता है अगर आप देखें डेटा सेट में से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो 1750 कंप्लीट प्लस 0.75 टाइम्स 1755 का डिफरेंस अगर आप 1750 से ले रहे तो जस्ट 5 आता है, सॉरी 55, ये जस्ट ये हमारे पास कितना आता है 5 1750 1750 प्लस 0.75 टाइम्स 5, तो अगर आप देखें जी ये हमारे पास बन जाएगा 0.75 टाइम्स 5 इक्वल्स 3.75 प्लस 1750 अगर करें तो ये हमारे पास बनता है 1753.75, ये हमारे पास आ गया Q3। अब हमारे लिए किसी भी चीज को कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है, बिकॉज हम बड़े ही आराम से क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है Q3 माइनस Q1, यानी 1753.75 माइनस 1260 डिवाइडेड बाय 2, तो अगर आप देखें माइनस किया जाए 1260 इक्वल दिस डिवाइड करा दिया जाए 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 246.875, जबकि हमारे पास कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन CQD कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन वो किसके इक्वल होता है क्वार्टाइल डिविएशन बल्कि 1753.75 माइनस 1260 यानी Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1 53.75 प्लस 1260। अब अगर आप ये देखें इसको 1753.75 माइनस 1260 करें तो ये तो बनता है 493.75, जबकि अगर आप इन दोनों को ऐड करें 1753.75 प्लस 1260 तो ये बनता है जी 3013.75। अगर आप डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ यानी 493.75 डिवाइडेड बाय 3013.75 तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1638, तो 0.16 हमारे पास क्या आ गया कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। अब अगर किसी और डेटा सेट का कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन हमारे पास मौजूद हो तो हम उन दोनों जमीन की जो जरहेजी है उसको कंपेयर कर सकते हैं।